चलिए भाई डिस्कस करते हैं लोग फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स. दिस इज पी वन एंड दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. ये डाइपोल रखा हुआ है ना, इस पर हमें क्या निकालना है, इससे फोर्स निकालना है. पिछली स्लाइड से कंटिन्यू करिए, पिछले वाले में मैंने आपको बताया था. तो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये पी वन है. मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें इंट्रैक्शन होता है ना. आप पिछली स्लाइड में जाके देखिए कि दो डाइपोल ऐसे रखे होते हैं, दिस इज पी वन एंड दिस इज पी टू. ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये माइनस क्यू है. आप बताइए इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी. दिस इज एल, दिस इज टोटल आर, तो दिस इज आर माइनस एल. तो यहाँ की डिस्टेंस आई वो कितनी होगी, दिस इज आर माइनस एल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस क्यू, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, के टू पी वन अपॉन आर माइनस एल कॉस क्यू. इसकी फील्ड आएगी ना यार, दिस इज पी वन. और इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू, बताइए यहाँ पे कितनी फील्ड आएगी, एट प्लस क्यू, जो फील्ड आएगी वो आएगी के टू पी वन अपॉन आर प्लस एल का होल क्यूब. ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये आर प्लस एल हो गया. ठीक है, तो फोर्स कितना है बताइए. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चार से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट फोर्स, है ना. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार से मल्टीप्लाई करिए, इसको चार से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको फोर्स मिलेगा. दिस इज माइनस क्यू. आपको पता है कि अगर ये पी वन है तो ये एक्सियल पॉइंट होगा, और एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है पी की डायरेक्शन में आती है, इधर आती है. तो फील्ड इधर आएगी तो माइनस क्यू पे फोर्स उसके अपोजिट आएगा, दिस इज एफ वन. ये प्लस क्यू है, फील्ड भी इधर है, तो इस पर फोर्स इधर आएगा एफ टू. कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा बताइए, एफ वन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड क्या होगी, इस डायपोल की वजह से यहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगी, तो एफ वन ज़्यादा आएगा, एफ टू कम होगा. ठीक है, तो फोर्स कितना आएगा बताइए, जो एफ नेट आएगा इस पे F1 और इस पे F2, उसको हम लिखेंगे F1 माइनस F2. क्या कॉमन आएगा बताइए आप भाई, इसको Q से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स Q भी होता है, इसको भी Q से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा. ठीक है, तो क्या आएगा ऊपर, के टू पी वन क्यू, यहाँ भी के टू पी वन क्यू, तो टू के पी वन क्यू तो कॉमन आ गया. बचेगा क्या, दिस माइनस दिस. अरे समझ पा रहे हो यार, मैं F1 माइनस F2 लिख रहा हूँ. ठीक है, ये F1 है और ये F2. F1 मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को Q से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट F1. ठीक है, 2KP1Q को यही लिखते हैं, डिस्टेंस बहुत कम होती है, बाइनों में लगता है. ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब यार, इसके बाद वैसे है तो आपको अपने आप सॉल्व करना है. मैं आपको आंसर बोल दूँ क्या आएगा, आंसर आएगा 6KP1P2 बाई आर की पावर 4. दिस इज यू हैव टू फाइंड. तो वीडियो पॉज करके आप इसके स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके आगे सॉल्व करिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ. मैं यहाँ से आर कॉमन लूँगा, आर कॉमन लूंगा तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ होल क्यूब लगा हुआ है ना. यहाँ से मैं आर कॉमन लूंगा तो आर क्यूब बाहर आ जाएगा, तो मैंने आर क्यूब को बाहर कर दिया. अब बोलो यहाँ क्या बचेगा, आर कॉमन लेने पे ये वन हो जाएगा, ये माइनस एल बाई आर आएगा, तो ये बचेगा वन माइनस एल बाई आर की पावर 3. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एल बाई आर की पावर माइनस 3. मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको सोचना है थोड़ा. माइनस यहाँ से आर कॉमन लेंगे आप तो वन प्लस एल बाई आर की पावर 3 आएगा, ऊपर जाके 1 प्लस एल बाई आर की पावर माइनस 3. दिस इज के, यही लिख देता हूँ मैं, 2KP1Q. बाइनों में लगाएंगे ना तो 1 प्लस 3 एल बाई आर आएगा, 1 प्लस 3 एल बाई आर. मल्टीप्लाई हो जाता ना यार, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो यू विल गेट 1 माइनस 3 एल बाई आर, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 प्लस 3 एल बाई आर. समझे, मल्टीप्लाई कर देना अंदर यहाँ पे, ये 6L/R आ जाएगा, नीचे आर क्यूब भी चल रहा था हमारा. देखिए क्या है फाइनली यू हैव, देखिए आएगा 6KP1 अपॉन आर की पावर 4 एंड यू हैव 2QL, ऊपर आ जाएगा 2QL. आप सॉल्व कर लेना यार. ठीक है, फाइनली यू हैव 6KP1P2 बाई आर की पावर 4. ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, ऐसे हम दो डायपोल्स के बीच फोर्स निकाल सकते हैं, एंड दिस 6KP1P2 बाई आर की पावर 4. नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ. स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप फाइनली. इसका एक शॉर्टकट देखते हैं, दो डायपोल के बीच में फोर्स निकालने का शॉर्टकट. देखिए दिस इज P1, दिस इज P2. आप मुझे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, ड्राई करवाए आपको,
स्लाइड तो देखी नहीं होगी यार तुमने, पोटेंशियल एनर्जी किससे पहले वाली देख लेना जाके। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी टू ई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, किसकी, इस डायपोल की। क्यों होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब डायपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा। देखिए मैंने वेक्टर फॉर्म यार आपको नहीं बताई थी वहाँ पे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं माइनस पी डॉट ई, नोट कर लेना। जहाँ मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था, फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, वहाँ जाके आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना माइनस पी डॉट ई। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी टू ई कॉस थीटा। ई किसका होगा भाई, यार ऑब्वियस सी बात है डायपोल इसकी फील्ड में रखा हुआ है तो इसका ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा बताइए, माइनस पी टू ई कितना होता है के 2p1 बाई आर क्यूब। वॉट इज थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है, ये p1 है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसकी आएगी। और आपको पता है एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो जो इसकी फील्ड यहाँ पे आएगी वो इधर आएगी। तो बताओ इसके डायपोल मोमेंट और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हो गया, जीरो। तो यहाँ पे कॉस जीरो आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टू के पी वन पी टू अपॉन आर क्यूब, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है देन यू कैन फाइंड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको बात नहीं समझ में आई ना तो आपको इसका मतलब वर्क एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बताया था कि अगर कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी पता है आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफ्रेंशिएट मारिए आपको हमेशा फोर्स मिल जाएगा। ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, एम जी एच होता है, इसको डिफ्रेंशिएट मार दो एच के रिस्पेक्ट में, माइनस डी यू बाई डी एच, डी बाई डी एच करोगे वो माइनस एम डी आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ, समझे। कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी लिखी होती है उसको डिफ्रेंशिएट मारते हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यू ऑलवेज गेट कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस डी यू बाई डी आर करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट मारते हैं, माइनस माइनस, समझे, माइनस क्यों यार यहाँ पे क्या था, अच्छा माइनस था, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट मार देना आप, ये आर क्यूब है ना, आर क्यूब कर देते हैं यार ट्वाइस ऑफ के, यार तुम डिफ्रेंशिएट मारना, इसको मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, सिक्स के पी वन पी टू बाई आर की पावर फोर, ये आर क्यूब है ना, आर क्यूब का देख लो क्या आएगा, ये ऊपर जाके आर की पावर माइनस थ्री बन जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये माइनस थ्री आर की पावर माइनस फोर आएगा, आर पावर फोर नीचे चला जाएगा, तो दिस इज योर आंसर, सिक्स के पी वन पी टू बाई आर की पावर फोर, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया, नोट कर लेना। और एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, मैंने बोला था कि यहाँ भी फोर्स आता है, इफ़ यू हैव दिस डायपोल दिस इज पी वन एंड दिस इज पी टू, ठीक है, यहाँ भी फोर्स आता है एंड दिस फोर्स इज थ्री के पी वन पी टू बाई आर की पावर फोर। इसको आप डराइव करेंगे दोनों मेथड से, अभी मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो एक्चुअल पहले इसकी फील्ड यहाँ निकालो फिर उस पर प्लस क्यू पे फोर्स निकालो माइनस क्यू पे फोर्स निकालो, एक तरीका वो होता है। दूसरा होता है कि आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के क्या कर दो, वहाँ पे आप डिफरेंशिएट मार दो, ठीक है, वहाँ से भी आपको फोर्स मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आपको टॉपिक ध्यान रखना है इंटरेक्शन बिटवीन टू डायपोल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यार एक क्वेश्चन और बहुत पूछता, अच्छा आपको करा देता हूँ, है ना। फोर्स ऑन अ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लेना, फोर्स ऑन अ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कैसी है, दिस नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे हो जाएगी ई प्लस डेल्टा ई, डिस्टेंस कितनी है, इसको हम डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स बेसिकली कितना आपका, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू एल, यहाँ पे ई और यहाँ पे फील्ड ई प्लस डेल्टा ई होगी। बताइए इस पर कितना फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा क्यू ई, ठीक है, क्यू इंटू ई, यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई,
ये फोर्स आ गया, ठीक है। नेट फोर्स कितना है बताइए, इससे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका नेट फोर्स आएगा, माइनस कर दें क्यू इंटू डेल्टा ई, ठीक है। इसको आप एक्स से डिवाइड करिए और एक्स से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आप एक्स से डिवाइड करेंगे क्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या बन गया, दिस इज डायपोल मोमेंट। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स, या हम फोर्स को बोल सकते हैं माइनस पी डी बाई डी एक्स, ये फोर्स आता है। इसको नोट कर लेना, ये कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन बन जाता है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है यार, कॉम्पिटिशन छोड़ो, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको नोट कर लेना, बोर्ड में पूछ लेता है, एनसीईआरटी छोड़ दूँ, सॉरी कॉम्पिटिशन छोड़िए, बोर्ड का क्वेश्चन है, फोर्स इज माइनस पी डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो जो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा ना, वही क्या करेगा बताओ, वही फोर्स लाएगा। जो मान लीजिए डायपोल एक्स पर रखा था, तो जो फील्ड वाई में होगी उसका फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो आप जितना इस पर आएगा उतना इस पर कैंसिल हो गया, जो जेड में होगा उसका भी कैंसिल हो जाएगा फोर्स, जितना इस देखो जो जेड कॉम्पोनेंट होगा ना उसका जितना फोर्स इस पर आएगा उतना इस पर आएगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वाई का कॉम्पोनेंट होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। तो इसका मतलब किसकी वजह से फील्ड आ रही है, जो एक्स में फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से इस पर फोर्स आ रहा है। इस फॉर्मूले का जो मेन इंपॉर्टेंस यही होता रहा है कि जो फॉर्मूला होता है माइनस पी डी बाई डी एक्स होता है, उसमें जो फील्ड एक्स में चेंज होती है उसकी वजह से फोर्स आता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कुछ और होगी, यहाँ पे फील्ड कुछ और होगी, क्योंकि एक्स में रखा हुआ है ना, तो एक्स में फील्ड चेंज होगी तभी फोर्स आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है एडिशनल में, कि डायपोल को जेड एक्सिस पे रख देते हैं एंड फोर्स, और आपको इस पर एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्सेज ऑन डायपोल, फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, है ना, टॉर्क बिटवीन टू डायपोल्स। तो चलिए इस पर आपको मैं शीट दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा।